मनोहरलाल ने दी श्रद्धांजलि शरद यादव को। सीएम ने दी श्रद्धांजलि शरद यादव के निधन पर। सीएम मनोहरलाल ने दुख जताया तो साथ ही उन्होंने ट्वीट कर निधन पर शोक भी व्यक्त किया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि शरद यादव के निधन को उन्होंने एक बड़ी क्षति बताया है। निधन की खबर अत्यंत दुखद है। वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि निधन देश के लिए बड़ी क्षति है, परिवार के प्रति संवेदना भी सीएम ने अपने ट्वीट में व्यक्त की है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम मनोहर लाल ने जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। छतरपुर स्थित उनके आवास पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की है। इनकी लोकप्रियता इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एकमात्र ऐसे नेता है जो तीन तीन प्रदेशों से लोकसभा का चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो। तो एक ऐसे सुलझे नेता हमारे बीच में से चले गए हैं। मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हुआ है, तमाम दिग्गज नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी शरद यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है फिलहाल जो है गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए हैं। छतरपुर में शरद यादव का जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है, तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे कुछ ही देर पहले राहुल गांधी की बात करें वो पहुंचे थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें वो पहुंचे थे, और ऐसे तमाम जो नेता है वो शरद यादव को जो श्रद्धांजलि है वो देते हुए जो है नजर आ रहे हैं। वही अगर हम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करते हैं तो आज मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम जो है झज्जर में रखा गया है, प्रतापगढ़ फार्म जो है मुख्यमंत्री जो है जाते हुए नजर आएंगे। उनके साथ में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वो भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बात करें तो दोपहर बाद मुख्यमंत्री करनाल पहुंचेंगे, करनाल में कई अलग अलग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और कल खासतौर पर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जो नए सरपंच चुनकर आए हैं और उसके साथ साथ पंचायत और जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनसे भी मुलाकात और बैठक करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल स्पर्श, और ये भी जानना चाहेंगे कि ये बैठक किस लिहाज से अहम मानी जा रही है? देखिए, करनाल का मुख्यमंत्री का दौरा जो है काफी अहम जो है इस लिहाज से भी माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की खुद की लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है करनाल देखने को मिलती हुई नजर आती है। तो ऐसे में वहां पर किस तरीके के हालात है, वहां पर किस तरीके के विकास संबंधी जो कार्य हो सकते हैं, और चूंकि नए ये सदस्य चुनकर आए हैं जिसमें जिला परिषद और अगर हम बात करें पंचायत समिति की, तो उनके सदस्यों से जब मुलाकात होगी तो विकास किस तरीके से जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया जा सकता है, तमाम मसलों को लेकर जो बैठके हैं काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल स्पष्ट, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने बताया कि सीएम मनोहर लाल भी जो है छतरपुर आवास पे पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए, आज जो पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, अंतिम संस्कार कब तक किया जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद स्पष्ट आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष निधन पर सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूं कि इनकी लोकप्रियता इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एकमात्र ऐसे नेता है जो तीन तीन प्रदेशों से लोकसभा का चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो। तो एक ऐसे सुलझे हुए नेता हमारे बीच में से चले गए हैं। मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें।